सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आज अभी मैं एक खबर देख रहा था वेबसाइट पे कि हमारे यहाँ से जो भी स्पाइसेस हैं, मसाले एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में करीब 12,000 करोड़ का जो सैंपल है वो फेल हो गया है, और वही सैंपल हमारे हिंदुस्तान में पास होके हम वो जहर खा रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है और क्या सीख है जो आप हमारे जनमानस को देना चाहते हैं? भारतीय मसाले, रसोई मसाले, भारत में सबसे पहला जो व्यापार था वो मसालों का था, और इन मसालों का व्यापार करने के चक्कर में भारत में अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगीज आए, और सबसे पहले जो चीज़ गई वो भारतीय रसोई के मसाले ही थे, खाद्य मसाले। अपने यहाँ पैदा होते हैं, खड़े मसाले पीसने की आदत थी, प्रवृत्ति थी, लोग खड़े मसाले अथवा घर में पीस करके मसाले खाते थे। फिर ये धीरे धीरे करके पैकेट में आने लगे, इसके बाद में फिर इनका एक बहुत बड़ा उद्योग बना। इस प्रकरण में जो सवाल आपने पूछा है, ताज़ा प्रकरण जो भारतीय मसालों का, विदेशों में प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जांच कराई जा रही है, ये अपनी गलती से होने वाला एक विदेशी षड्यंत्र है। ये बात तो सही है कि पैकेट बंद मसालों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको तेज बनाने के लिए केमिकलाइज तो करना ही पड़ रहा है। ये एक विदेशी षड्यंत्र है जिसका चल रहा है अभी, चाइना, सिंगापुर, कुछ देश ऐसे हैं जो इन मसालों के निर्यातक बनना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने एक सवाल उठा दिया है। अब ये 45,000 करोड़ से लेकर के उसके आगे तक का व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। दूसरा सवाल ये है कि किया क्या जाए, पैकेट बंद मसाला लेना बंद कर दीजिए, खड़े मसाले मिलते हैं, उनमें मिलावट होगी तो आप चुन लेंगे, साफ कर लेंगे, उनको खाएंगे शुद्ध, यही है। अदरवाइज ये एक विदेशी षड्यंत्र है, क्योंकि भारत का जो मसाला उद्योग है वो बहुत बड़ा है। या अगर ये विदेशी षड्यंत्र है तो इसमें भारतीय सरकार की, जो भारत सरकार की भूमिका ये बननी चाहिए कि जो सैंपल वहाँ से फेल होके आए उनको अपने लैब में टेस्ट करा के और अपनी गारंटी देनी चाहिए कि ये सिर्फ विदेशी षड्यंत्र है जो यहाँ के व्यापार को कम करना चाहते हैं और लोगों में प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बना रहे। किया जा रहा है जी। आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 80 जिलों में मसालों के सैंपल सीज करके और उनके लैब में परीक्षण का आदेश जारी किया है, बहुत तेजी के। अब दिक्कत ये है कि व्यापारी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो संबंध है, ये सब पैसे का खेल है। मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार का ये प्रयास सफल होगा, क्योंकि जांच रिपोर्ट वही आएगी जो व्यापारी चाहेगा। आज ही आदेश हुआ है, बहुत जल्द किया जा रहा है, और प्रत्येक जिले में इसकी लैब बना करके इनकी जांच की जाएगी। बस इसी तरह बने रहिए रियल मीडिया के साथ, आपको एक खबर मिलेगी जो मजबूत होगी और जिस पे एक एनालिसिस होगा हम सबका, हमारे रियल मीडिया का। नमस्कार।